हेलो बच्चों, तो प्यारे बच्चों, गोल्ड बैच के बच्चों, क्लास 12th के बच्चों, फिर आ गए हम लोग, फिर वही नए जोश के साथ अपनी तैयारी को फिर एक नए अंजाम की ओर ले जाएं, प्रारंभ करें अपनी तैयारी बेटा। तो प्यारे बच्चों, इस समय क्या है, अभी तैयारी आपकी शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब शुरू कर दीजिए, दिन बीतते देर नहीं लगता है। हाँ, ये कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो गम के आंसू मत गिराइए, मेहनत करिए, सिलेक्शन होगा। तो बेटा मेहनत करोगे तो पक्का सिलेक्शन होगा। प्यारे बच्चों, अब अपने अपने घरों से थोड़ा सा निकलो, जो हमारे सिस्टम संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको विश्वास हो, जिनको ट्रस्ट हो हमारी टीम पे, हम लोगों पे, विश्वास करना पड़ेगा बेटा, विश्वास करिए, मेहनत किया जा रहा है। तो जो लोग भी हैं बेटा, निकलें, अपने रेगुलरिटी को मेंटेन करें, रिवीजन करें, टेस्ट दें डेली। अभी छोटे छोटे टेस्ट शुरू हुए हैं बेटे, माइनर टेस्ट शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे माइनर टेस्ट मेजर टेस्ट की तरफ क्या है, चेंज होता जाएगा। तो 20 क्वेश्चन का अभी टेस्ट स्टार्ट हुआ है बेटा, थोड़ा घर से बाहर निकलो बेटा, मेहनत करो और नए जोश के साथ अपने आप को क्या अच्छे मेडिकल कॉलेज में क्या है भेजो, और जरूर कर सकते हो बेटा तुम लोग, ठीक है। तो पुराने बच्चे मेरे जो भी क्या है गोल्ड बैच में आए हुए हैं, आप सभी लोगों का वेलकम बेटा, एक नए जोश के साथ हम भी, नए जोश के साथ आप भी, उन्हीं पुरानी चीजों को चर्चा करने के लिए। कोई नई चीज नहीं पढ़ा जाएगा बेटा, बस जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को आप सुधारें, हम भी सुधारें, ताकि हम लोग क्या है अच्छा कर सके और रिजल्ट दें, और अपने ऊपर विश्वास करें बेटा। याद रखना, इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कमजोर ना हो। तो विश्वास रखिए अपने ऊपर, हाँ विश्वास, कि आप सेलेक्ट होंगे, मतलब हम सेलेक्ट होंगे। सिस्टम को दोषारोपण देना बंद करके विश्वास करिए, ठीक है बेटा, कि आप सेलेक्ट होंगे, ठीक है, आप सेलेक्ट होंगे और जरूर सेलेक्ट होंगे। तो चलिए भैया, छोटी सी शुरुआत, बेसिक फिजिक्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा लोग। तो बेसिक फिजिक्स में टेस्ट जानते ही हैं, बेसिक फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, तो चलिए ये, हाँ बेसिक फिजिक्स में ये सब चीजें देखिए, थोड़ी सी ये क्या है, कुछ करेक्शन क्लास में हुए होंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 2 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² और 2 टाइम्स ऑफ इट्स वॉल्यूम है, वॉल्यूम का 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स है वॉल्यूम का। कह रहा है इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो बेटा ये बताओ, ए से ये कट गया, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये देखो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ए इक्वल टू कितना हो गया, 3, और वॉल्यूम होता कितना है जरा बताओ, ए का क्यूब होता है, यानी 3 का क्यूब का मतलब 27, ठीक है, 27, ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्या है, यस इक्वल टू 40-1, ये फोर्स दिया था, हाँ करेक्शन क्लास में कराया था, फोर्स ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन, फोर्स कितना है बेटा, 2 न्यूटन है, देखिए फोर्स 2 न्यूटन है। आपसे कहा जा रहा है पावर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको बताना है, क्या बताना है, पावर। तो देखो बेटा यस दे दिया है, क्या दे दिया है, यस यस दे दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करने पे वेलोसिटी मिलेगा। तो चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4t का 1, 1 का 0, खत्म। अब पावर क्या होता है आपको पता होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना होता है जरा बताइए, फोर्स कितना होता है, फोर्स कितना दिया है, 2, वेलोसिटी कितनी दी गई है जरा देखिए, वेलोसिटी कहां गया भाई, 4, यानी कितना हो गया, 8, कितना हो गया पावर, 8 हो गया, मतलब जो भी यूनिट है उसमें ही आ जाएगा, पावर आपका 8 हो गया। ये देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, यस इक्वल टू 2t, फाइंड वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ मैन 5 kg, t इक्वल टू, हाँ मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, 5 kg है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, मास जो दिया गया 5 kg। तो सबसे पहली चीज ये बताइए, इसका वेलोसिटी आप निकालिए, एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, ds/dt आ जाएगा, क्या आ गया, 2। ये देखो ये क्या हो गया, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और बेटा आप जानते हैं कहीं भी अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है तो वर्क डन की परिभाषा क्या होती है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये बताइए चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है भाई। तो तीसरे का भी फिर चलते हैं बेटा, ये क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल 15 मीटर इंक्लाइन एट एंगल 37 डिग्री फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये देखिए अब ये आपका इस तरह से है, सर्कल है, ये कितने डिग्री पे है, 37 डिग्री पे, और रेडियस कितना है, 15 मीटर। कह रहा है कि इसका
फ्रॉम द एक्स एक्सिस देन द क्वाड्रेंट ऑफ द टिप ऑफ रेडियस, मतलब आपको इसका क्वाड्रेंट बताना है। इसका मतलब ये जीरो जीरो हो गया बेटा, तो क्वाड्रेंट आप तभी बता सकते हो जब यहां से आप इस पे परपेंडिकुलर गिराओ और ये गिराओ, तो अब इसको बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये 15 है, ये 15, ये देखिए क्या हो जाएगा, cos 37 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 15 sin 37, ठीक है ना बच्चा लोग, चाहे वेक्टर से कर लो चाहे किसी से कर लो। अब जरा sin 37 की वैल्यू देखिए, इसके लिए पहले tan 37 का देख लीजिए। tan 37 क्या होता है, 3, 4, 5, तो ये बताइए cos 37 कितना हो जाएगा, cos 37 जो होगा 4/5, sin 37 कितना हो जाएगा ये बताइए, sin 37 3/5, ठीक है, तो sin 37 3/5, यहाँ चलिए 15 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 9, मतलब ये वाला कितना हो गया 9 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो जाएगा, ये देखिए ये कौन सा हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है ना बेटा, तो ये 9 हो जाएगा, ये देखिए ये वाला क्या हो गया आपका 9 हो गया, कौन सा 9, ठीक, चलिए 9 हो गया। अब क्या हो गया जरा इसका देख लीजिए, 15 cos 37, 15 cos 37 का कितना हो जाएगा, cos 37 का 4/5, 5 से क्या हो गया ये 3 कट गया, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका क्वाड्रेंट कितना होना चाहिए, इसका क्वाड्रेंट देखो होना चाहिए 12.9 होना चाहिए। अब क्या हो गया बेटा, गलती हो गई क्या, हाँ गलती हो गई, इसका मतलब कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, तो ये गलती हो गई, छोटे छोटे क्वेश्चनों में देखिए 9, 12 था, 12.9 हो गया, ठीक है ना, हाँ तो ये क्या हो गया आपका 12, कितना हो गया 9 हो गया, 12, कितना हो जाएगा 9, ठीक है, थीटा के पास वाला कॉस, थीटा से दूर वाला क्या साइन, ठीक, तो ये हो गया आपका। चार के बाद पांच चलते हैं बेटा, पार्टिकल ऑफ मास 5 kg रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर, एंगुलर प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल 1860 डिग्री फ्रॉम द मीन पोजीशन, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस। चलिए भाई देख लीजिए, ये इस तरह से दिया है, ऐसे दे दिया है, अब देखिए 1860 है, 1860 का मतलब एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाया, 3, 4, 5, इसके बाद पार्टिकल आएगा क्या 60 डिग्री पे, इतना यही आएगा, ठीक है, और 5 kg रिवॉल्व, रेडियस कितना दिया है 20 दिया है, ये देखिए 20। अब आपसे कहा जा रहा है वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन, अब देखना रेशियो फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, तो बताओ वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे 20 sin 60 कहेंगे, और एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन 20 cos 60 कहेंगे, कहेंगे कि नहीं, अब बताइए प्रोजेक्शन रेशियो फाइंड करना, देखना 20 sin 60 अपॉन, ये देखो 20 sin 60 अपॉन ये क्या हो जाएगा 20 cos 60, चलिए भाई 20 20 कट गया, sin 60 की वैल्यू, और ये कितना हो गया 10 60, और 10 60 होता कितना है √3, इनका रेशियो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। तो इस तरह से छोटी छोटी एक शुरुआत हो गई, पांच क्वेश्चन आपको पर डे इस समय मिल रहे हैं, प्यारे बच्चों इनको खूब लगाओ, अब कहीं थोड़ी मोड़ी ऑप्शन में गलती हो जाए, क्योंकि बेटा सब हैंडमेड क्वेश्चन है, सबको बनाया जा रहा है, कि क्वेश्चन को कहीं से छपा छपाया नहीं है, ये सब लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन को, हाँ कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनसे कर पाएंगे कि नहीं, देखिए क्वेश्चनों को मैं लिख रहा हूँ इस समय, ठीक है, कि ताकि बेटा अगले साल जो भी दिक्कतें हो रही हैं उसमें हम लोग और अच्छा कर सके, देखिए क्वेश्चन को तो थोड़ा इधर उधर में हो जा रहा है, एक दो टेस्ट के बाद सब सुधर जाएगा, सारी चीजें सुधर जाएंगी, ठीक है ना, तो धीरे धीरे शुरुआत किए हैं, ठीक है, ऑप्शन भी सुधर जाएगा, सारा जो भी सब कुछ होगा सब लिखा पढ़ा सबसे सुधर जाएगा, ठीक है ना बच्चा, ठीक है, थैंक यू बच्चों।